हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कल ही रिलीज हो गया है इंडिया में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में नए हैं, और आप अगर इंटरेस्टेड हैं मोबाइल अनबॉक्सिंग या मोबाइल के रिव्यू के बारे में, अनबॉक्सिंग नहीं, मोबाइल रिव्यू या लैपटॉप रिव्यू या कुछ कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स या मोबाइल का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मतलब टेक्निकल चीज़ें के बारे में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में हो, फेसबुक में हो, और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो अभी टॉपिक में आते हैं। तो आज मैं अभी बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में। तो इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं हम लोग। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेसर, जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर का सीपीयू स्पीड है 2.9 GHz, 2.8 GHz और 2.2 GHz, ठीक है। सीपीयू टाइप है ऑक्टा कोर। फिर डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले प्रोसेसर जो है वो एक्सिनोस का है। फिर डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले है 6.4 इंच फुल रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स के साथ में। रेजोल्यूशन है 2340x1080 फुल HD प्लस। टेक्नोलॉजी है एमोलेड 2X, ठीक है। कलर डेप्थ है 16 mm। अभी कैमरा के बारे में देख लेते हैं। रियर कैमरा है 12 MP प्लस 12 MP प्लस 8 MP। रियर कैमरा में जो एपर्चर है, जो 12 MP पहला वाला है वो f1.8 का है, नेक्स्ट वाला का f2.2 का है, और लास्ट वाला का f2.4 है। रियर कैमरा में ऑटोफोकस है, रियर कैमरा में OIS भी है, रियर कैमरा आप जूम कर सकते हैं 3x तक, डिजिटल जूम आप तो 30x तक कर सकते हैं आप। फ्रंट कैमरा के बारे में देख लेते हैं, वो 32 MP का है। फ्रंट कैमरा का एपर्चर है 2.2, फ्रंट कैमरा में ऑटोफोकस नहीं है। रियर कैमरा में फ्लैश है, वीडियो रिकॉर्डिंग जो आप कर सकते हैं तो वो आप अल्ट्रा HD 4K 3840x2160 FPS में कर सकते हैं। स्लो मोशन आप शूट कर सकते हैं 960 FPS HD 240 FPS फुल HD में, ठीक है। जो ये HD है ये 720p है, और फुल HD जो है वो 1080p है, ठीक है। और जो अल्ट्रा HD होता है वो ऑलवेज 4K होता है। मेमोरी आपको रैम मिल जाएगा 8 GB का रैम, और रोम मिल जाएगा आपको 256 GB का, ठीक है। फिर मेमोरी आप अवेलेबल मेमोरी आपको 220.5 GB का मेमोरी आपको फ्री मिलेगा। नेटवर्क नंबर ऑफ सिम, ड्यूअल सिम आपको मिल जाएगा यहाँ में। सिम साइज है नैनो सिम। अभी देखिए स्लिम स्लॉट टाइप जो है, SIM 1 SIM 2, अभी ये दिया हुआ है 2G का क्या क्या बैन है, 3G का क्या क्या बैन है आप देख लीजिए, 4G का क्या बैन है, 5G का क्या बैन है। ये वीडियो को पॉज करके या फिर मैं ये PDF का गूगल ड्राइव लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अभी कनेक्टिविटी देखिए, USB इंटरफेस जो है वो USB टाइप सी पोर्ट है यहाँ में। USB वर्जन जो है वो है USB 3.2 Gen 1। लोकेशन टेक्नोलॉजी देखिए, यहाँ में आपको GPS मिल जाएगा, ग्लोनस मिल जाएगा, बाइडियो मिल जाएगा, गैलीलियो मिल जाएगा, क्यूजर एस मिल जाएगा। जो ईयर जैक है मतलब 3.5 mm जैक नहीं है, आपको USB टाइप सी में अपना ईयरफोन डालना पड़ेगा, ठीक है। MHL हमें नहीं है। वाईफाई जो है वो 802.11 का बैंड है, 2.4 GHz प्लस 5 GHz भी है यहाँ में, ठीक है। वाईफाई डायरेक्ट है हमें, ब्लूटूथ वर्जन जो है वो 5.0 है, ठीक है। NFC है यहाँ में, OS Android है। अभी देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म फैक्टर देखिए, टच स्क्रीन बार है यहाँ में, ठीक है। सेंसर जो है यहाँ में क्या क्या है देख लीजिए, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, फिंगरप्रिंट सेंसर, जायरो सेंसर, जियो मैग्नेटिक सेंसर, हॉल सेंसर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। फिजिकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। अभी डायमेंशन जो है वो है 155.7 × 74.5 × 7.9 mm। इसका वेट है 177 ग्राम, ठीक है। बैटरी जो है यहाँ में दिया नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा ये। तो अभी देखिए इंटरनेट यूजेज टाइम देखिए 14 आवर्स,
वाईफाई का वर्स भी 14 आवर्स है, वीडियो प्लेबैक टाइम 16 आवर्स है, बैटरी कैपेसिटी यहाँ में है देखिए 4500 mAh का, रिमूवेबल बैटरी नहीं है ये। ऑडियो प्लेबैक टाइम आपको 73 आवर्स मिल जाएगा प्लस वायरलेस, वायरलेस में भी। टॉक टाइम अगर आप से बात करेंगे तो आपको 39 आवर्स का टॉक टाइम मिल जाएगा, आवर्स का मतलब बैकअप। ऑडियो एंड वीडियो देखिए स्टेरियो सपोर्ट है यहाँ में, वीडियो प्लेइंग फॉर्मेट MP4, M4V, 3GP, 3G2 AVI, FLV, MKV और वेब कैम। वीडियो प्लेइंग रेजोल्यूशन अल्ट्रा HD 8K सपोर्ट हो जाएगा आपको, 7680x4320x60 FPS। ऑडियो प्लेइंग फॉर्मेट भी है यहाँ में आप देख लीजिए। फिर देखिए सर्विस एंड एप्लीकेशन, गियर सपोर्ट क्या क्या आपको सपोर्ट मिलेगी ये आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या फिर ये PDF डाउनलोड करके भी देख देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा वेट कर देता हूँ, आप देख लीजिए। तो आप वीडियो आप अभी ये स्क्रीनशॉट मार के आप देख सकते हैं। सैमसंग डेस्क सपोर्ट भी है यहाँ में, मोबाइल टीवी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए, तो आप देख लीजिए। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन है वियतनाम, जो इम्पोर्ट करता है इंडिया में वो ये करता है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है आप यहाँ में देख कर यूज कर सकते हैं। तो अभी सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G का प्राइस देख लेते हैं इंडिया में, जो 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है वो 54,999 का है, 8 GB रैम और 256 GB जो स्टोरेज है वो 58,999 INR है, और 5,000 INR आपको डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंट कैशबैक। तो इफेक्टिव प्राइस हो जाता है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का वो है 49,999, और 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज का प्राइस हो जाता है 53,999। और कुछ मैंने अभी पिक्चर्स यहाँ में डाला है तो आप पिक्चर्स देख लीजिए, ये आपको 4 वेरिएंट में 4 कलर में मिल जाएगा आपको ठीक है। तो क्या क्या कलर मिलेगा आपको देख यहाँ में देखिए, आपको ऑलिव मिल जाएगा, लेवेंडर मिल जाएगा, ग्रेफाइट मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है। तो अभी हम लोग प्रोसेसर देख लेते हैं, प्रोसेसर यहाँ में दिया हुआ नहीं था, प्रोसेसर ऑफ S21 FE, देखिए अभी हम लोग प्रोसेसर देख लेते हैं स्पेक्स, और S21 FE 5G ठीक है। प्रोसेसर देखिए ये हमें दिया हुआ नहीं है ठीक है, तो ये हमें एक्जिनोस का लगा हुआ है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। ये देखिए यहाँ में है, पिक्चर में है यहाँ में Exynos 2100, तो क्लियर हो गया है। 888 बाहर में मिलेगा आपको और इंडिया में Exynos 2100 का प्रोसेसर मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, थैंक यू।